दोस्तों नमस्कार। कभी पाकिस्तान क्रिकेट में तीन पीढ़ियां जो है एक साथ दिखाई दी थी, जहांगीर खान, उनके बेटे जो है वो दिखाई दिए थे, माजिद खान, और फिर माजिद खान के बाद वाजिद खान भी। माजिद खान जिन्होंने 63 टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए, वाजिद खान लंबा करियर तो नहीं कर पाए, एक टेस्ट मैच खेले, 5 वनडे उन्होंने भी खेले, लेकिन अब इन दिनों अगर किसी पिता पुत्र की चर्चा है तो वो है सबसे ज्यादा मोइन खान और आजम खान की। जी हाँ, मोइन खान और आजम खान। मोइन खान जो है आपने उनको 90 के दशक में देखा खेलते हुए, दोनों में कई सिमिलरिटीज हैं, सिमिलरिटीज की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन हम आपको बता दें कि आजम खान ने जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओर से खेलते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 97 रन की शानदार पारी खेली, और वो भी केवल 42 गेंदों पर, और 9 चौके लगाए, 8 छक्के लगाए इस खिलाड़ी ने। हालांकि थोड़े से बल्की हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो पूरी तरह से फिट हैं और अपने पिता की बताई हुई नसीहत पर चलते हैं, और यही वजह है उनके उनको यहाँ सफलता मिल रही है, और ऐसी ही सफलता को वो पाकिस्तान टीम की ओर से दोहराना जरूर चाहेंगे। और अच्छी बात ये भी है कि उनके सामने जो अटैक था वो था नसीम शाह का, मोहम्मद हसनैन का, मोहम्मद नवाज का और ओडियन स्मिथ का, यानी ये सभी खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी उनके सामने थे। उनके सामने अगर वो 42 गेंदों पर 97 रन की पारी खेलते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में, तो उसके वाकई मायने हैं। और यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि आजम खान ने अपनी इस पारी के दौरान जब स्वैट स्वीप लगाया, यानी घुटना नीचे रख के जब वो गेंद को उठाते हैं मिड विकेट के ऊपर से, और गेंद जो है ना सिर्फ सीमा रेखा को पार करती है बल्कि स्टेडियम की छत के ऊपर चली जाती है, तो उसे क्या कहेंगे आप। बिल्कुल अपने पिता की के शॉट की उन्होंने याद ताजा करा दी। ऐसे ही विराट कोहली भी ऐसे ही कुछ एक शॉट लगाने लगे हैं आजकल, उनका ट्रेडमार्क शॉट भी बनता जा रहा है। लेकिन हम आपको पहले बताएंगे उनके पिता के बारे में। उनके वालिद साहब जो हैं मोइन खान, जिन्होंने एलन डोनाल्ड के सामने 1999 के वर्ल्ड कप में ऐसा ही एक शॉट लगाया था, और हर कोई हैरान परेशान उन्हें देखता ही रह गया कि ये कैसा शॉट है भाई, वो भी एलन डोनाल्ड जैसे धुरंधर और खूंखार गेंदबाज के सामने। और उसके बाद क्रेग मैकमिलन जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, उन पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही शॉट लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अब उन अपने बेटे को उसी तरह का शॉट लगाते हुए देखकर उन्हें डगआउट में बैठकर ये शॉट का निको निहारना देखना बहुत अच्छा लगा। पुराने दिनों में निश्चित तौर पर वो खो गए होंगे। वैसे हर्षल गिब्स जो है पिछले दशक में उनका ये ट्रेडमार्क शॉट हुआ करता था, खूब चर्चा का विषय बना, स्वैट स्वीप बोलते हैं इसको, और उसके बाद डेसमंड हेन्स ने भी इस तरह के खूब शॉट लगाए हैं। हालांकि ये शॉट थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि गेंद अगर आपके बल्ले से स्वीप करते हुए जब आपने घुटना नीचे लगा रखा है, चूकते हैं आप शॉट लगाने से, तो गेंद आपके पैड पर लगती है और आपके LBW होने के काफी चांसेस रहते हैं। लेकिन अब विराट कोहली जो कि अमूमन स्वीप शॉट नहीं लगाते, लेकिन अब धीरे धीरे उनका भी ये सिग्नेचर शॉट बनता जा रहा है, और उन्होंने जो है ईशान किशन को नेट्स पर इस तरह के शॉट लगाते हुए देखा, बहुत बारीकी से देखा, और फिर उनके पास गए और कहा कि आप ये शॉट दोबारा लगा के दिखाओ, तो उन्होंने वैसे ही शॉट लगाया। उनकी देखा देखी जो है उन्होंने भी अपने खेल को खेल में इस शॉट को शामिल कर लिया, यानी वो स्वैट स्वीप तो लगाते ही हैं बल्कि स्वैट फ्लिक शॉट में वो ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई देते हैं, जिसमें गेंद जो है पीछे यानी फाइन लेग की दिशा में जाती है। गुंडप्पा विश्वनाथ भी इस तरह के शॉट लगाया करते थे, कर्नाटक के खिलाड़ी थे, भारतीय क्रिकेट टीम में 80 के दशक में उन्होंने ऐसे खूब शॉट लगाए हैं, और अब ऐसे शॉट विराट कोहली को लगाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजम खान जिन्हें अभी अपने करियर की शुरुआत करनी है, हालांकि T20 मुकाबलों में उतर चुके हैं लेकिन अपनी टीम के लिए, लेकिन अभी उनका लंबा करियर पड़ा है, और जिस तरह से 42 गेंदों पर उन्होंने 97 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी की है, और वो भी एक अच्छे खासे अटैक के सामने, वो काबिले तारीफ है। और पिता पुत्र की जोड़ी, हालांकि पिता ने जो शॉट लगाए उसी को आगे उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया, वो भी विकेट कीपिंग करते थे, ये भी विकेट कीपिंग करते हैं, और जिस तरह के ये शॉट्स लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़े से वजन पर भी आप अगर अपना ध्यान केंद्रित करें तो मेरे ख्याल से उनके लिए भविष्य काफी सुरक्षित है आगे आने वाले समय में। आप क्या सोचते हैं आजम खान के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।